देख रहा है बाबा हमारे काकू को छेड़ रहा है घनश्याम। बोला तेरे को ठरकीपना मत कर घनश्याम, बोल रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। हमारी वही नहीं देखो, कुंदन काका की होने वाली पत्नी। अरे आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो हेलो, आ रही है बाबा। ओहो यार, देखने ना, देख रहा हेलो। अरे हेलो, इधर आओ ना, देखने तो दो। घर के बना देख रहा है बाबा हमारे काकू को छेड़ रहा है घनश्याम। ओ भाभी जी, अब सच में वही नहीं हो? पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। इधर आओ, मुझे देखने दो, वही नहीं है वही ना। काशी इसको दूर भेजो, ये देखो कहाँ से देख रहा है। फालतू मेरे यार, काशी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुझे उससे शादी करनी है तो कर सकता है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मैं मेरे को अभी चांस है, अभी चांस है, देख ले। नीचे बैठो भाभी जी, नीचे बैठो। ये शर्म नाम की चीज ही नहीं है। घनश्याम बहुत इज्जत ठरकीपना कर रहा है, मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसा मेरा भांजा है, एकदम बकवास भांजा है मेरा, मुझे बहुत शर्म आ रही है ऐसा भांजा पैदा करते हुए, मतलब बनाते हुए। अबे वो कौन है, भूत है क्या? घनश्याम, घनश्याम हमें अपने उसूल के दायरे में रख के खेलना है, देखना है, मतलब चलना है, हमें उसूल फॉलो करने हैं। प्लीज आप जो थरकी पना कर रहे हो ऐसा मत करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ घनश्याम जी। अरे अरे घनश्याम जी, एक मिनट रुको, आप इधर ही रुको। क्या टकला आसी पर आ गया रे वापस, क्या आसी पर? सुनो, तुम्हारे लिए बीवी ढूंढी मैंने, वो देखो मॉडर्न बीवी, कुकू का प्यार। सर आप उनसे शादी कर लो, आपकी जीवन सफल हो जाएगा। मैंने शादी से पहले ही तलाक फाइनल कर दिया है सर। अरे लेकिन भाभी जी नीचे मत बैठो, भाभी जी नीचे मत बैठो, बहुत सॉरी सॉरी सॉरी, शर्म आ रही है हमें, शर्म आ रही है तुम्हारे देवर को। अरे काशी, बोला तेरे को ठरकीपना मत कर घनश्याम, बोल रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। अफसर अफसर, आई एम सॉरी लेकिन किसी लड़की के सामने, अरे अरे अफसर अफसर सुनो, अफसर सुनो सुनो, आई 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 देख, हम दोस्त बन सकते हैं लेकिन शादी का प्रपोजल मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ। ये मैं रेडियो पे जाके बोल देता हूँ। हाँ बोलो। इंस्पेक्टर साहब आपने मुझे क्यों पकड़ा है, मुझे बताइए इंस्पेक्टर साहब। कुंदन भाई, मैंने आपसे वादा किया था मैं इनको जल्दी छोड़ दूंगा, पर छोड़ने से पहले आपने उनको बेहोश कर दिया। नहीं, उसकी वजह है, देखो किसी भी लड़की के साथ रिस्पेक्टफुली रहना जरूरी है, ये रिस्पेक्ट करना भूल गए थे इसलिए मुझे उनको बेशुद्ध करना पड़ा, मैं माफी चाहता हूँ सर जी। सर इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून हाथ में लो। सर मैंने कानून हाथ में नहीं लिया, पैर में लिया था, मैंने उसको पैरों से मारा सर। वही तो सर, आपने कानून को पैरों तले रोन दिया है। मैं माफी चाहता हूँ सर, लेकिन जहाँ पे गलत चीजें दिखती है वहाँ पे मैं राडा करता हूँ सर जी। अरे ये मैडम, अरे मैडम को ले लो, मेरे को क्लोज लेके चल, छोड़ दो। देखो देखो सर जी, वो स्वीटी जी रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज छोड़ दीजिए, वो रिक्वेस्ट कर रही है सर जी, मुझे छोड़ दीजिए, हमें दोनों को छोड़ दीजिए सर। सर मैं सुन रहा हूँ सर, माफी चाहता हूँ, सुन रहा हूँ। थोड़ा सा सर मेडिटेशन करो, दिमाग शांत रखो सर अपना। सर देखो, अगर किसी अबला नारी की इज्जत पे आ जाए तो मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ, चाहे वो मेरा भांजा क्यों ना हो सर। पति की निशानी होती है सर,
स्वीटी क्या बोल रही है? किसका पति? कौन सा पति? मैं किसी का पति नहीं हूँ स्वीटी, मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल फादर हूँ। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरवेयर मी। अभी रुक जाओ, इससे पक्का होगा, पूरे शहर में खाना बचा होगा। जेल में शादी होगी, जेल में शादी होगी। ठीक है, मैं जेल में चल जाऊँ। क्या मुझे आप छोड़ रहे हो सर? हाँ सर छोड़ूंगा सर, हमारे ऊपर वाले सर, वो सर देख रहे हो चीफ सर? सर देखो मैं कभी रूल को ब्रेक नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ पे उसूल ब्रेक हो रहे हो यहाँ पे मुझे रूल ब्रेक करने पड़े सर, मुझे माफी चाहता हूँ मैं। आपकी बात बहुत सही है, लेकिन सर तरीका सर अरे नहीं, वो गलती से हो गया। स्वीटी बहुत अच्छी है, दिल की अच्छी है, उसने कुछ नहीं किया सर। अच्छा स्वीटी वैसे दिखती बहुत खूबसूरत हो, काश ये पल पैदा ही न हो जिस पल में मुझे वो स्विट्टा नजर ही ना आए। उनको इन्होंने पीट-पीट के टोटली अधमरा कर दिया। अरे रे, कौन सी पिक्चर की शूटिंग चल रही है सर इधर? सर यहाँ पे मौत का आतंकी पंचनामा चल रहा है, आ रहे हो आप? भाई हिस्सा लेना है आपको सर यहाँ पे? अरे पिक्चर का नाम क्या है सर? मेरे को हाँ, मौत का पंचनामा, मेरे को भी रोल मिल सकता है सर? कुकू का जादू पिक्चर देख रहे हो? मेरे बात सुनो कुंदन, बोलोगा बोलो काशा। ये हमारे साथ है ना खिलवाड़ हो रही है हर बार। भाई मुझे तो लग रहा है हम दोनों ही इस शहर में मिल रहे हैं, हर चीज अपने पे डाली जा रहे हैं, हर चीज में हम फंसे जा रहे हैं, हम कोई गुनाह भी नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई लड़की को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था? कोई किसी लड़की को अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है भाई, वो सर देखिए पुलिस जी, वो बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव कर रहा था उस लड़की के साथ, मैंने उसको बस बेहोश किया है, सजा दी, मैंने गुनाह नहीं किया सर। देखो आप भगवान को साक्षी मान के मैं शपथ ले रहा हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है सर जी। सर कानून कानून मैंने हाथ में लिया क्योंकि मैं एक अफसर रह चुका हूँ, मुझे माफी माफी मांगता हूँ मैं, हमें छोड़ दीजिए। कुंदन भाई मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप एक चीज डिसाइड करो, आप आर्मी में हो या पुलिस में हो? सर देखो मैं आपको 10,000 बार बोल चुका हूँ कि मैं पहले आर्मी में था, उसके बाद मैं पुलिस में गया, उसके बाद मैं रिटायर्ड हो गया। अरे एक चीज तो डिसाइड कर लो ना, ऑफिस में कमिश्नर या फिर आर्मी। सर जो बंदे आर्मी में होते हो पुलिस में भी आ सकते हैं, आपको पता नहीं हूँ शायद, लेकिन मैं बता देता हूँ सर। आपको कोई नहीं इधर से लेके जा सकता, मैं जब तक भाई एक बार मेरे हाथ में गन आने दे, जब तक है जहाँ करता है तेरा, मैं रुक जा। तुमको किसने पकड़ा है? आप भी नाम बताओ। घनश्याम मुझे पुलिस वालों ने तुमको मैंने मारा, लड़की की रिस्पेक्ट न करने की वजह से इसलिए पकड़ा है। उनको बताओ कि तुम मुझे माफ कर चुके हो और मुझे छोड़ने को बोला, हम यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, मैं उनसे अभी बात करके आता हूँ। ठीक है, उन्होंने मेरे अच्छे के लिए मुझे मारा सर, प्लीज मैं माफी मांगता हूँ। देखो इंस्पेक्टर साहब, मेरा मेरा भतीजा माफी मांग रहा है, छोड़ दीजिए मुझे सर जी। कुंदन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। दूर जाओ, बाकी पुलिस साहब प्लीज मेरे भाई को छुड़वा दो। अरे कमिश्नर साहब, अरे मेरा कुछ तो सुनो ना यार प्लीज। अरे मेरे भाई ने मेरे मेरे अच्छे के लिए मारा है, मैं वो लड़के को छेड़ रहा था। तेरा नाम रहेगा यार, प्लीज मैं पाव पड़ू यार, जो चाहिए वो देता हूँ। मेरी जमीन है, मेरी 40 एकड़ जमीन है, वो बेच के तुमको पैसा लौटा, लेकिन मेरे भाई को नहीं चाहिए। अरे मेरे 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 मैं देखो मैं सुनो मैं घर सुनो मैं मेरे घर में बहुत मतलब लाड़ का बच्चा हूँ, लाड़ा का। मेरे पास बहुत, मेरे माँ बाप ने बहुत जाग जमीनी मेरे नाम कर दी, मैं सब बेच के तुमको पैसा देता हूँ, मेरे भाई को छोड़ दो प्लीज। ए मेरा भांजा रे, मेरा भांजा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आए अरे इंस्पेक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, उसको क्यों पकड़ा है? मेरे को एक कंफ्यूजन है, आप तो बात कर रहे हो फिर भी आपको उठा के लेके जा रहे हैं, मतलब ये? अरे इंस्पेक्टर साहब ये आपकी दादागिरी क्यों है, आप क्यों पकड़ रहे हो इनको?
सर मैंने आपको छोड़ दिया, उनको भी छोड़ दिया। अरे ओके ओके सर, ओके हम जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। एक अंशम इधर आ, अंशम इधर आ। कुंदन कुंदन स्वीटी मैं आता हूँ, स्वीटी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, रुको। अंशम बैठ बैठ गाड़ी में बैठ, उस साइड से आ रहे हैं मनहूस। सुनो सुनो सुनो, एक बात कहनी थी, बोल सकते हो? बोलो स्वीटी। अरे जाओ यार स्वीटी, कल कल बात करो, फोन पे बात करो। अभी मैंने उसको, अरे धन्यवाद स्वीटी, बहुत प्यार बहुत प्यार। मैं मिलता हूँ आपको अस्पताल में थोड़ी देर में, जेल से मैंने छुड़ाया है और तुम बात करने के लिए। नमस्कार दादा, सही, थैंक यू फोटी।